हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब रिप्रोडक्शन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने जनरल इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। साथ ही साथ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का भी क्लास चल रहा है। सो आपको क्लास अगर ज्वाइन करना है तो हर कोर्स के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ और प्रीवियस जो PDF आप लोगों ने मिस कर लिया वो भी प्रोवाइड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो ये नरेशन है, इसका मतलब कह सकते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म आप कौन सा है वो सिलेक्ट करो। देखो क्वेश्चन है, शी सेड शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। ऑप्शन सर, शी सेड शी हैज़ टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स। ऑप्शन बी, शी सेड दैट शी मस्ट हैव लीव ऑल द बैड हैबिट। ऑप्शन सी, शी सेड दैट शी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स। या ऑप्शन डी, शी सेड दैट शी कुड लीव ऑल द बैड हैबिट। कौन सा राइट आंसर है आप लोग थोड़ा सा सोचो वीडियो को पॉज करके। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी शी सेड। उसके बाद देखो ये assertive सेंटेंस है इसलिए that आया, सो शी सेड दैट। उसके बाद देखो इसका pronoun चेंज होगा तो शी अकॉर्डिंग मतलब शी रहेगा। उसके बाद देखो मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट, ठीक है, तो ये कौन से टेंस पे गया, देखो शी हैड लीव टू ऑल द बैड हैबिट। आई थिंक आप सबको मतलब कह सकती है नरेशन का रूल पता है, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom। जो बैग एंड बैगेज, इसका मतलब करेक्ट मीनिंग कौन सा है, विद बर्डन, विदाउट एनी एम, विदाउट हैप्पीनेस, या ऑप्शन डी, विद ऑल ऑफ वन पोसेशन। कौन सा राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी विद ऑल ऑफ वन्स पोसेशन, इसको बोलेंगे हम लोग बैग एंड बैगेज। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड। ऑप्शन सर, ए पॉपुलर फैक्ट विच इज़ नॉट हिडन, या ए पॉपुलर फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, या ऑप्शन सी, एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट, या ऑप्शन डी, एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। कौन सा राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जो एम्ब्रेसिंग फैक्ट है उसको सीक्रेट रखना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर देखो 4, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। सो इसमें बोला गया देखो, ए पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, इसका कौन सा मतलब कह सकते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सर, नार्सिसिस्ट, लुनेटिक, स्टोइक, या पॉलीग्लॉट। कौन सा राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी नार्सिसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिलोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, या लेक्सीग्राफी, या फिलोसफी। कौन सा राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी फिलोलॉजी, ये याद रखना। और एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग। देखो लेक्सीग्राफी जो मतलब कह सकते हैं डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं उनको ही हम लोग बोलेंगे, या उस काम को बोलते हैं लेक्सीग्राफी, लेक्सिकोग्राफी। फिलोसफी, तो फिलोसफिकल वर्ड वगैरह, या जो मतलब कह सकते हैं बिहेवियर से रिलेटेड कुछ बातें बोलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिलोसफी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।